www.attableeg.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم معزز و موقر علماء کرام بھائیو دوستو اور بزرگو حق تعالی شانہ نے دنیا میں دوسری مخلوقات کے ساتھ ایک اعظم اشرف اور قیمتی مخلوق انسان کی شکل میں پیدا فرمائی ہے اور پھر اس کی عظمت اور وقعت بڑھ جاتی ہے اگر اس انسان میں ایمان کی دولت شامل ہو جائے اس ایمان کی دولت کی بنیاد اور نسبت پر پھر وہ مخلوق یعنی انسان جانوروں چوپایوں اور ان کی فہرست تو کیا بلکہ ان کی مشابہت سے نکل کر صحیح معنی میں انسان بن پاتا ہے اگر انسان بن کر پیدا ہوا ہے لیکن وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا اپنی آنکھ کان اور ناک کا صحیح استعمال نہیں کرتا اپنے دل کا غور و فکر کے لیے استعمال نہیں کرتا تو پھر قرآن کریم کی زبان میں وہ انسان نہیں ہے بلکہ اولئک کل انعام بل ہم اضل اب جب انسان کو انسان بن کر رہنے کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ وہ اپنے دل کا اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے تو اس کو ایک پیغام یہ بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جہاں بہت سی چیزوں میں اللہ کی معرفت اللہ کی قدرت اللہ کی پہچان اور اللہ کی یاد کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ سالوں کا آنا اور جانا بھی ہے ایام کا ختم ہونا اور نئے ایام کا نئے سال کا آغاز بھی ہے ایک مومن دنیا کی کسی بھی چیز پر سرسری نظر نہیں ڈالتا بلکہ وہ گہرائی والی نظر ڈالتا ہے اور اس سے سبق لیتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج شاید اسلامی سال کا آخری دن ہو اور آج نہ ہو تو آئندہ کل تو یقینی طور پر ہے ذوالحجہ کا 29واں دن ہے آج اگر چاند ہو گیا تو کل سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوگا اور اگر چاند نہیں ہوا تو پرسوں سے تو بہرحال نئے سال کا آغاز ہوگا عربی کے ایک شاعر نے اس حقیقت کو سمجھایا ہے داد دینی چاہیے اس کو
कि उसने एक शहर में इंसान को झंझोड़ा है और उसके सबक का, उसके पैगाम का खुलासा ये है कि अक्लमंद लोग न्यू ईयर मनाते नहीं हैं, अक्लमंद लोग नए साल के आने पर नाचते कूदते गाते नहीं हैं, बल्कि वो अफसोस और गम करते हैं कि नए साल का आना गोया मेरी उम्र के एक साल का कम हो जाना है। अरबी का शायर यूं कहता है, यसुर्रुल मर्अ मा ज़हबल लयाली वकान ज़हाबुहुन्न लहू ज़हाबा, कि आदमी को ये बात सतही नज़र के एतबार से तो बड़ी खुश करती है कि न्यू ईयर, इसीलिए आपने यूरोपियन तहजीब के दिलदादा लोगों को देखा होगा कि जब 31 दिसंबर आती है तो वो एक दूसरे को पैगाम भेजते हैं हैप्पी न्यू ईयर का, और 31 दिसंबर को न जाने कैसे कैसे तूफान और पटाखे और अल्लाह जाने कैसी कैसी रसूमात और खुराफात होती हैं, शराब भी जम कर पी जाती है, जिना भी इतना जम कर होता है कि न पूछे बात। लेकिन आपने कभी देखा कि मुसलमानों के यहाँ नए साल की आमद पर कोई खुशी मनाई जाती हो? नहीं, कभी भी नहीं। मुसलमान मुहासबे का मुकल्लफ किया गया है, मुहासबा जायजा लेना, सर्वे करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। बुखारी शरीफ में किताबुल ईमान में सैयदना अम्मार इब्ने यासिर रदी अल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक रिवायत आई है कि तीन चीज़ों को जो आदमी जमा कर लेता है वो गोया पूरे ईमान को अपने अंदर जमा कर लेता है। मुझे उन तीनों पर गुफ्तगू नहीं करनी है, उसमें से पहली चीज़ बताई गई अल इंसाफ़ मिन नफ्सी का, अपना मुहासबा करना, और बाज़ मुहद्दिसीन ने तर्जमा किया अपना जायज़ा लेना। अब आज या कल एक साल ख़त्म होकर आइंदा साल नए साल का आगाज़ हो रहा है तो हमें चौकन्ना करने के लिए, ध्यान से सुनिए, क़ुरान करीम की आयात ऐसे मौक़ों पर हमें क्या सबक देती है। एक अकीदा रखो मुसलमान होने के नाते, ज़रूर एक अकीदा और मानियता मजबूत रखो कि कोई काम, कोई ओकेज़न, कोई तकरीब, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं है जिसके बाब में किताब व सुन्नत की हिदायत और रहनुमाई मौजूद न हो। इसलिए कि इस्लाम जज्बात को कुचलने के लिए नहीं आया, जज्बात का रुख पलटने के लिए आया है। उसने कोई जज्बा मारा नहीं, खुशी है खुशी मनाओ। जैसे एक हदीस शरीफ में आया, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ के लोगों ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, यहाँ के लोग साल में दो दिन खुशी के मनाते हैं, नई रोज़ और महरजान। वो नई रोज़ असल में फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, नया रोज़, नया दिन, जैसे नया दिन शुरू होगा कल से या परसों से नए साल का आगाज़ होगा, तो वो लोग नई रोज़ पर खुशी मनाते थे। और एक दिन था महरजान नाम का जिसको वो ईद के तौर पर मनाते थे। तो हुजूर ने अपने सहाबा के जज्बात को कुचल कर ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस्लाम में कोई खुशी वुशी, कोई एंजॉय, ये नहीं नहीं, इस्लाम एंजॉयफुल लाइफ, लुत्फ भरी लाइफ,
खुश दिली वाली जिंदगी गुजारने की तलकीन ही नहीं तश्कील भी करता है। ईद का दिन था, सूडानीस कौम के लोग जो मदीना में बसते थे वो तीर अंदाजी और नेजाबाजी कर रहे थे। हुजूर ने हजरत आयशा को बुलाया बाकायदा और फरमाया कि यहां अपना मुंह रखो और पीछे खड़ी रहो ताकि पर्दा भी हो जाए और देखो वो लोग कैसा खेल खेलते हैं। पता ये चला कि खुशियों में शिरकत की ही नहीं बल्कि करवाई। और वो जो खुश्क जहन है जिसका कुछ लोग अपने कौल से और कुछ लोग अपने हाल से एक पैगाम देते हैं कि मैरिज लाइफ इज ओनली फॉर किचन नेवर एवर, मियां बीवी की जिंदगी सिर्फ किचन के लिए नहीं है। औरतों का ये जो एक तसव्वुर हमने बनाया है कि औरत यानी किचन की खिदमत करे वरना उसको किसी खुशी में किसी तकरीब में और किसी प्रोग्राम में शिरकत की गुंजाइश नहीं है, ये गलत नज़रिया है। इस्लाम इसका फेवर बिल्कुल नहीं करता। इस नज़रिए को कुछ लोग समझाते हैं, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग अपनी लाइल्मी की वजह से औरतों के दिमाग पर गलत नकूश सबत करते हैं जिसकी वजह से औरतें फ्रीडम को चाहती हैं और बाहर निकल पड़ती हैं जो गैर फितरी अमल हो जाता है। हुजूर ने हजरत आयशा को बाकायदा बुलाया और फरमाया देखो ये लोग कैसा खेल रहे हैं। अब माशाल्लाह आप लोग अकलमंद हो, हर जुमा को नए नए मुकर्ररीन के खिताब सुनते हो, इसलिए एक इल्मी बहस भी छेड़ूं। वहाँ एक बहस छेड़ दी बाज़ मुहद्दिसीन ने कि हजरत आयशा हुजूर के कंधे मुबारक पर सर रखकर वो अजनबी लोगों को पराए लोगों को खेलता हुआ देख रही थी तो क्या औरत के लिए पराए मर्दों को देखना जायज़ है। एक बहस ये छिड़ गई तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मर्दों के लिए तो पराई औरतों को देखना जायज़ नहीं है लेकिन औरतों के लिए पराए मर्दों को देखना जायज़ है इस शर्त पर कि वो देखने में तलज्जुज इस्तिमता और मज़े लेने वाली नीयतें न हों। इसलिए कि बहुत अच्छी दलील दी है कि औरतों को तो पर्दा करने का हुक्म आया है ताकि उनकी तरफ कोई नज़र उठाकर देख न सके लेकिन शरीयत में कहीं भी मर्दों को पर्दा करने का हुक्म नहीं आया कि मर्द ये अपना चेहरा छुपाकर ही रहे। पता चला कि औरत खरीदो फरोख्त करना हो, कोई सरकारी कामकाज हो तो वो पराए मर्द को देख सकती है। और उसकी भी वजह लिखी कि औरत अगरचे कसीरतु शहवत हो लेकिन वो अजीमतु सब्र भी है कि औरत इसके अंदर सब्र शर्म और हया ये बहुत ज़्यादा है और मर्द के अंदर शर्म और हया उतनी नहीं होती जितनी औरत के अंदर होती है। उसको पाबंद बनाया गया कि तुम पराई औरत को नहीं देख सकते लेकिन औरत को इजाज़त दी गई कि वो ज़रूरत के मौके पर पराए मर्द को देख सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर बात बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखी, कितना बड़ा मसला हल कर दिया कि हजरत आयशा उन मर्दों को नहीं देख रही थी बल्कि उनके खेल को देख रही थी। मसला ही खत्म हो जाता है कि मर्दों को देखने का कोई मामला ही नहीं है। हुजूर ने तो उनको फरमाया था इनके खेल को देखो। बहरहाल मेरी गुफ्तगू यह चल रही है कि अब नया साल आज से कल से शुरू होने जा रहा है। हम लोगों ने अजीब तमाशा मचा रखा है, व्हाट्सएप पर एक दूसरे को मुबारकबाद भेजते हैं और मामला ख़त्म हो गया। क़ुरान करीम ऐसे मौके पर रहनुमाई क्या करता है? एक तो कुरान झंझोड़ता है, मुतनब्बे करता है, फरमाता है कुरान अवलम नुअम्मिरकुम, हमने तुमको इतनी उम्र दी थी कि मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर, कि संभलने वाला संभल जाए। हाँ, हमने तुमको इतना मौका दिया था, हमने तुम्हारे बाल सफ़ेद करने तक तुमको ज़िंदा रखा था,
हमने तुमको दादा बनाने तक जिंदा रखा था, ये तफसीर की गई है। काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह ने फरमाया, आदमी का दादा नाना बन जाना ये खतरे की घंटी है। अब आप बोलोगे मौलाना अजीब बात कर रहे हैं, लोग तो मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो कि आप दादा बन गए। हदीस शरीफ में आया, दादा बने यानी वार्निंग अलार्म बज गया, जैसे गाड़ियों में वार्निंग अलार्म आजकल बज रहा है। ये जो नई कार्स आई है, वो नई कार में अगर आप ओवर स्पीड जाते हैं, मैं मदीना शरीफ में पढ़ता था, 90s की बात है, तो वहाँ तो उस ज़माने से आ गई थी, हिंदुस्तान में वैसे भी चीज़ें 50 साल के बाद आती हैं, तो अब ये नई गाड़ियाँ जो आने लगी हैं उसमें अगर 100 की स्पीड के ऊपर आप जा रहे हैं तो टिन 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 बजने लगता है। वो इशारा होता है कि आप स्पीड के ओवर जा रहे हैं और ये गलत काम है, एक्सीडेंट हो जाने का खतरा है। तो ऐसे ही हदीस शरीफ में आया, दादा बन गए समझ लो कि अब पोते ने जगह संभाल ली, अब आपको घर में से जगह खाली करने का वक्त आया है। किसी भी वक्त घंटी बजेगी और मलकुल मौत आकर पकड़ लेगा। बाल सफेद हो गए समझ लो, चाहे कितने भी काले करवाओ, डाई करवाओ, मेहंदी लगाओ, जायज नाजायज के जबरदस्ती भी फतवे लाओ, जबरदस्ती के ना मौल साहब ये तो इमा केमिकल नहीं लगता, ने हकीम चिचीवाड़ा एवं कहलू छे क्या एकदम हर्बल छे, ने आ फलानी कब, ये कितने भी फतवे लाओ लेकिन छुपता नहीं है। एकाद बाल तो जाहिर कर देता है कि असल सफेदी है, इस पर पर्दा और कुछ भी छुपाओ, पर टाटिया जे चाले नहीं, इन तीज खबर पड़ी जाए कि आप पचाना ऊपर गेला छे, इसलिए कि उसको तो स्टील के बनाए नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, ये सिर्फ हंसकर गुजारने का मौका नहीं है, खुदा ने मुझको और आपको मौका दिया। अगर अल्लाह चाहते तो 20 साल की उम्र में हमको ख़त्म कर देता, कौन रोक सकता था उसको, हाँ अरे पैदा होते ही ख़त्म कर देता, लेकिन अल्लाह का एहसान नहीं है कि उसने 40 साल 50 साल की उम्र दी, मज़े उड़ाने के मौके दिए, और बैंक में यानी आखिरत की बैंक में आमाल पर आमाल, आमाल पर आमाल जमा करने का चांस दिया, और अगर उन आमाल में कुछ कोताही हुई हो तो तौबा करने का भी मौका दिया। ये जो साल गुजरते चले जा रहे हैं और कोरोना में हमारा बच जाना और मुसीबतों के बावजूद, बीमारियों के बावजूद हमारा बच जाना, ये हमारे लिए जहाँ नेमत है ना, वहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अगर हम चाहते तो हम तुमको कोरोना में मार कर शहादत की मौत दे देते। एक बहुत बड़े मालदार साहब थे बंबई में, बहुत बड़े मालदार थे, नेकियों का काम भी बहुत करते थे, लेकिन उनको अचानक ये डिक्लेयर हुआ कि फेफड़ों का कैंसर है बेचारे को, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए। मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग की खिदमत में ये बात रखी कि हजरत दुआ करना कि फलां साहब के फेफड़े में कैंसर हो गया, और डॉक्टर ने बोला है कि ये फेफड़े के कैंसर में आदमी 11 महीने से ज़्यादा जी नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने जीता है फिर लंग्स काम करना ख़त्म कर देते हैं। वो अल्लाह वाले ने बहुत ज़बरदस्त बात कही थी जिसने मेरे दिल को एक झटका लगाया, फरमाया कि मुफ्ती साहब, वो साहब को मैं भी जानता हूँ, बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल करे, लेकिन उनसे जो कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई होगी ना, अल्लाह ये कैंसर के ज़रिए उनको धुला धुलाया करके, पाक साफ करके, शहादत का दर्जा देकर अपने पास बुलाना चाहता है, इसलिए इस बीमारी में मुब्तला कर दिया। अल्लाह वालों की नज़रें ऐसी होती हैं कि जो मुसीबतों को नेमत की शक्ल में पेश कर देते हैं। मुसलमान के लिए कोई बीमारी निकमत और कोई बीमारी मुसीबत नहीं होती, बशर्ते के वो उस बीमारी से सबक लेता हो। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमारी तो हर एक को आती है, ध्यान से सुनो इस हदीस शरीफ को, फरमाया बीमारी के बाद, मुसीबत के बाद अगर आदमी की जिंदगी में चेंजिंग आए तो समझ लो कि वो बीमारी अल्लाह की तरफ से उसके लिए इनाम थी। कितनी प्यारी बात फरमाई कि बीमार होने के बाद, कोई मुसीबत आने के बाद आदमी की ज़िंदगी का रुख बदल जाए तो समझ लो कि उसका ईमान पुख्ता है, कि अल्लाह ने उसको टर्न करने का मौका दिया। इसको मैं एक आसान मिसाल से समझाऊँ,
आजकल ये हाईवे पर रोड बने हुए हैं, धड़ाधड़ गाड़ियां चलती हैं, अगर आपने जरा सी रॉन्ग साइड पर डाल दी तो परेशान हो जाते हो ना कि अल्लाह जाने हवे क्यारे यू टर्न आवे ने पाछा आपने टर्न ले हो ने यू टर्न आवज नहीं 20-25 किलोमीटर हुदी। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, ए आगे चलते हुए कोई यू टर्न नहीं आता तो कितना पेट्रोल डीजल जलता है, ड्राइवर की ताकत जलती है और अपना वक्त पर तब जाकर यू टर्न। और अगर फौरन यू टर्न आ गया तो अपन क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है यार कि गाड़ी को सही रुख पर मोड़ने का मौका आ गया। ये बात हुजूर ने फरमाई कि अगर कोई बीमारी या कोई मुसीबत आ गई और ज़िंदगी में तब्दीली आ गई, समझ लो कि वो बीमारी एक इनाम थी कि जिसने आपकी ज़िंदगी का रुख पलट दिया। और आगे हुजूर ने फरमाया अगर मुसीबत और बीमारी के बावजूद आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आए बल्कि जैसा था वैसा ही रहे, ये निफाक की निशानी है। हुजूर ने बड़ी ख़तरनाक बात फरमाई, ये मुनाफिक होने की निशानी है कि वो ऐसा समझता है कि एक जानवर है, उसको थोड़ी देर के लिए बांधा था फिर उसको छोड़ दिया गया। और कुरान करीम के 9वें पारे में इसको यूँ फरमाया कि काफिर किस्म के लोग जो होते हैं, जो अल्लाह के गद्दार होते हैं, वो बीमारियों को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को यूँ कहकर गुजारते हैं कद मसाबा, कि उसमें क्या हो गया, हमारे बाप दादों को भी बीमारियां आती थी और आई और गई, अपने तो जैसी ज़िंदगी गुजर। कभी कोई एक्सीडेंट में आप बच गए, कभी आपकी गाड़ी बच गई, कभी आप बच गए, आपका बच्चा बच गया, कभी किसी इंटरव्यू में फेल होते होते बच गए, किसी इम्तिहान में फेल होते होते बच गए, समझ लो कि खुदा ने चांस दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है। तो अब ये जो हमारे एक साल जा रहा है और नया आ रहा है, उसमें हमारी विकेट डाउन होते होते बच गई और हम नए साल का इस्तकबाल और वेलकम करने जा रहे हैं, तो इसके बाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वख्तला फिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, के रातों और दिनों के आने जाने में अक्लमंदों के लिए एक नहीं बहुत सारी निशानियां हैं। और 19वें पारे में फरमाया इन निशानियों से सबक वही लेता है लिमन अराद अन यज़क्कर, जो नसीहत हासिल करना चाहे औ अराद शुकूरा। अब एक बात और बताऊं, वक्त ख़त्म होने के करीब है और सामने की घड़ी में तो वैसे भी 1:40 कब से हो चुके हैं, ज़रा उसका सेल बदलना चाहिए वो जो सामने की घड़ी है, वरना वो उधर की बात कर रहा हूँ, वरना तकरीर करने वाले को धोखा हो सकता है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ भाई कि अब हम लोगों को पैगाम है नए साल में, बहुत ध्यान से सुनो। अपन कहते हैं गुजराती में, बचपन में मैंने कहावत सुनी थी मेरे बाप दादों से कि भूत जाए तो पलीत पैदा थाई, आपने भी सुना होगा कि भूत कहड़ो तो पलीत आवे, एक साहेब अघरो तो ते गयो तो लोगों ने एम थाई कि अवे हारा साहेब आवे तो आवनारो एने करता भी डेंजर आवे, ये अपने यहाँ एक कहावत प्रचलित है। इसी को अब आइए साल के ऊपर, हर आने वाला साल जाने वाले साल के मुकाबले में नए नए फितने लेकर आता है, याद रखना इसको। हर आने वाले साल में हर आने वाली नई सुबह गुज़श्ता सुबह और गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में नए नए फितने लेकर आती है। इसीलिए एक हदीस शरीफ में फरमाया कि एक दौर आएगा कि आदमी जब कब्रस्तान के पास से गुजरेगा और कब्रों के पास से गुजरेगा तो कहेगा ए काश ये जिंदा होता और मैं कब्र में चला गया होता। हुजूर ने तो फरमाया था कि एक दौर आएगा, लेकिन अकलमंद लोग मेरा फेवर करेंगे कि ऑलरेडी वो दौर आ चुका है। हाँ, नई नस्लों की ईमान की हिफाजत का मसला बड़ा खतरनाक आ गया है। सिर्फ कमाई को मैटर मत बनाओ मेरे बहुत प्यारे भाइयों, सिर्फ रोजी को अपनी जिंदगी का मसला मत बनाओ, अपनी नस्लों के मोमिन होने की फिक्र करो कि ये आइंदा चलकर मोमिन रहेगी नहीं रहेगी। और मसाइल आए दिन खतरनाक होते चले जा रहे हैं। मैं इशारे में बात कर रहा हूं कि 2 दिन पहले आपने सर्कुलर पढ़ा होगा कि 75 ईयर्स की सेरेमनी में गुजरात गवर्नमेंट ने स्कूलों में ऐसे कुछ कलेमात और ऐसी बातें कहने का सर्कुलर जारी किया है जिससे बच्चों का ईमान खतरे में पड़ सकता है। और इससे और ज़्यादा खतरनाक बात आगे
आएगी आसमानी भी सुल्तानी भी। उसकी वजह बुजुर्गों ने लिखी है कि नबुव्वत के ज़माने से जितनी दूरी होती चली जाती है उतने खतरात बढ़ते जाते हैं, और नबुव्वत से जितना ज़माना करीब होता है उतनी बरकतें होती हैं। उसकी मिसाल ऐसी है कि यहाँ गुलाब का फूल खिला हो, जो जितना करीब होगा उसको खुशबू मिलेगी, और जो जितना दूर चला जाता रहेगा वो उस खुशबू से तो दूर हो जाएगा और दूर होगा तो फिर उसको बदबू का सामना करना पड़ेगा। तो नबुव्वत का दौर था, जो उसके करीब थे। हर जुमा के खुतबे में आप सुनते हो ना, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लदीने यलूनहुम। उसके आगे इमाम साहब बोलते हैं नहीं, सिर्फ इतना ही बोलते हैं ना, खैरुल कुरूनी करनी। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन सेंचुरी और सदी मेरे 100 साल हैं, उसके बाद और फिर उसके बाद। पता चला 300 साल हिजरी गुजरने के बाद फितने ही फितने हैं, और जितना आगे बढ़ता चला जाएगा फितने और आगे आने वाले हैं। बहुत ताकीद के साथ बात कह रहा हूँ कि सिर्फ पैसों के कमाने को ज़िंदगी का मसला मत बनाओ, उसको ज़रूरत समझो, उससे इनकार नहीं है, लेकिन उससे बड़ी मैटर ये है घरों का माहौल बिगड़ने न पाए, बच्चों का ईमान सलब होने न पाए। दाल रोटी से तो ज़िंदगी गुजर सकती है, लेकिन गाली गलौज के साथ ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अपने आप को मशगूल बनाओ, बच्चों को मशगूल बनाओ। इस ज़माने में सबसे अहम काम यह है कि औलाद को किसी भी तरह बिजी रखो, मसरूफ़ रखो। जितना जिसका बच्चा बिजी और मसरूफ़ उतना वो फितनों और गुमराहियों से बचेगा। वरना गुजराती में कहते हैं नवरो नखो द्वारे, जितना फुर्सत में होगा वो घर वालों के लिए भी दर्द सर और पूरे मुआशरे पूरे गांव के लिए भी दर्द सर। तो हक ताला शानहु ये फरमाते हैं अपना सर्वे करो, नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा को भटका हुआ जब वापस आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जिसकी ज़िंदगी ये गुजरे हुए साल में गुनाहों में गुजरी हो उसे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जागिया त्या थी सवार, जहाँ हम जागे बस अपनी सुबह का आगाज़ करके तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अकेली सियासत से सियासी पार्टियों से ज़िंदगी की इस्लाह की कोशिश लगाना ये बेकार बातें हैं, वो वसाइल के दर्जे की चीज़ें हैं। मकासिद में ये है कि अल्लाह से अपनी हालत को बदलने के लिए आमाल भी करे और दुआ भी करे। हजरत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाया करते थे, काम अकेला दुआओं से भी नहीं चलता और काम अकेला मेहनत से भी नहीं चलता। हजरत मिसाल देते थे, एक पत्थर है जंगल का, उसके अंदर आग पैदा करने की ताकत है, लेकिन उस पत्थर को दूसरे पत्थर से जब तक चिपकाएंगे और मारेंगे नहीं तब तक वो आग पैदा नहीं कर सकता है। लाइटर उस ज़माने में पत्थर था, अब इस ज़माने में लाइटर समझो, लाइटर में स्पार्क है, लाइटर में गैस जलाने की ताकत है और गैस के चूल्हे में से भी गैस निकलता है, लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे लाइटर मारते रहोगे क्या आग पैदा होगी? नहीं, चूल्हे के पास उसको ले जाना पड़ेगा और फिर दोनों मिलेंगे आग पैदा होगी। इस वक्त उम्मत में माफ़ कीजिए मुझको, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, कुछ लोग सिर्फ दुआ दुआ और दुआ इसी की तलकीन करते हैं कि बस दुआओं से हालात बदल जाएंगे, और कुछ लोग सिर्फ तदबीर 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 दवा दवा दवा। ये गलत है दोनों नज़रिए, दुआ भी ज़रूरी दवा भी ज़रूरी, मेहनत भी ज़रूरी और दुआ भी ज़रूरी। सहाबे किराम की सीरत में इसी हकीकत को बताया गया कि रुहबानम बिल्लैल व फुरसानम बिन्नहार, कि रातों में दुआएं करते थे और दिन में उन दुआओं पर एतमाद करके फिरते नहीं रहते थे कि रात में हमने अल्लाह से मांग लिया अब सब हो जाएगा। दिन में जो तदबीर करनी होती थी वो कर लेते थे। लिहाजा खाली बुज़ुर्गों से इतना कह देना काफ़ी नहीं कि हमारी औलाद माटे दुआ कर जो ज़रा सुधरी जाए, अपने आप को भी सुधारने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। तो ये आने वाला साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए मुबारक फरमाए, और हक ताला शानहु हमें अपने गुजरे हुए साल पर नदामत
एहसास पैदा करने की तौफीक दे। सबसे ज़्यादा अगर एहसास की दौलत मैसर हो गई तो समझो कि आदमी कामयाब हो गया। हक ताला शानहु हम सबको अपनी उम्र की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। हमारे